चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के बाद हर कोई इसरो की तारीफ करते नहीं थक रहा। इसी क्रम में एक और नई जानकारी मिली है कि चंद्रयान मिशन 2 को अंजाम देने वाला GSLV MK3 रॉकेट ने वैज्ञानिकों के अनुमान से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया और वो 6000 किलोमीटर तक आगे चला गया। दरअसल चंद्रयान मिशन 2 को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने ईंधन और रॉकेट की दूरी तय करने का जो अनुमान लगाया था उससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए ईंधन 18 सेकंड ज्यादा चला, जिससे रॉकेट ने 6000 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर ली। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और सलाहकार विनोद कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि रॉकेट के आगे चले जाने के बाद भी वैज्ञानिकों ने इसे नहीं रोका, क्योंकि रॉकेट के आगे जाने से चंद्रयान 2 के ईंधन की बचत हुई जो आगे फायदेमंद होगी। चंद्रयान 2 22 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 14 अगस्त से 20 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। 20 अगस्त को ये चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद 11 दिन यानी 31 अगस्त तक वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग होगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा शुरू करेगा। 5 दिन की यात्रा के बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर विभिन्न प्रयोग करने के लिए उतरेगा। 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रयान 2 के ऑर्बिट को बदला जाएगा। बता दें, चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही सफल लैंडिंग करा पाए हैं, लेकिन अब भारत भी ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस इंतजार में बैठे हैं कि कब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर पहुंचे, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश ने अपना यान नहीं उतारा है। ऐसा करने से भारत के अलावा दूसरे देशों को नई जानकारी मिल सकेगी।